ये इसका नाम क्या है यार? और भैया अभी डाल रहे हैं डीजल, कितने लीटर है इसमें? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो पे। सो अभी आ रहा है बारिश एंड मैं हूँ हाईवे पे, एयरफील्ड पे हूँ एंड यहाँ का कुछ सीन ऐसा है। सो गाइस, बहुत दिनों से मैं प्लानिंग कर रहा था एक ट्रिप पे निकलने की, काफ़ी लंबा ट्रिप होने वाला है ये। मैं निकलने वाला हूँ अरुणाचल प्रदेश से, स्टार्टिंग कर रहा हूँ अरुणाचल से एंड मेरा टारगेट जो है वो है राजस्थान। तो काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं, सबका फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। सो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग बने रहिएगा। सो आज का जो अपना टारगेट है वो है रोइंग, जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है। सो अभी मैं लिफ्ट लेना स्टार्ट करता हूँ एंड रोइंग देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। एंड अभी टाइम हो चुका है लगभग 12, सो देखते हैं अभी कितने देर में हम रोइंग पहुँच जाते हैं। सो आप लोग बनी रहिएगा। आप कहाँ जा रहे हो भैया? रोइंग। तो फाइनली आज का हमारा पहला लिफ्ट मिल चुका है एंड भैया ने लिफ्ट किया। तो भैया आपका नाम क्या रहेगा? अच्छा, आप रोइंग से ही हो? तो भैया ने आज का पहला लिफ्ट दिया और भैया भी रोइंग ही जा रहे हैं एंड मैं भी रोइंग जा रहा था। तो थैंक यू सो मच भैया। और भैया अभी डाल रहे हैं यहाँ पे डीजल, कितने लीटर है इसपे? 25 लीटर। तो यहाँ पे हो रहा है डीजल फिल अप, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग रोइंग की ओर। एंड ये वाला ट्रक है, इस ट्रक में लिफ्ट मिला है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड जो ट्रक का लाइफ होता है ना, बहुत ही लाइफ खतरा होता है, क्योंकि ट्रक में ही खाना पीना भी करना पड़ता है, रहना पड़ता है, सोना पड़ता है। तो ट्रक वाले का लाइफ भी बहुत हार्ड होता है। ये इसका नाम क्या है यार? इसका टिप्पू नाला है। तो ये है टिप्पू नाला, कुछ ऐसा नज़र है यहाँ का। और अभी धोदे भैया जो है वो आ रहे हैं वालोंग से, यहाँ पे देख सकते हैं वॉकी टॉकी भी रखा हुआ है, क्योंकि वालोंग साइड में जो है नेटवर्क नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता है। सो वॉकी टॉकी से ही बात करना होता है, लाइक 4-5 किलोमीटर रेंज पकड़ लेता है ये। तो लाइक ऐसे एक दूसरे में कनेक्शन रखने के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा वॉकी टॉकी। एंड वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग भी वॉकी टॉकी से ही बात ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तक नेटवर्क ही नहीं है। तो ऐसा सीन है वहाँ पे। और रात को ट्रक में रहना पड़ता है क्या? तो फाइनली दूल्हे भैया का और मेरा सफर यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ओके ठीक है, इसको ओके।
सो गैस फाइनली ट्रक से उतर गया हूँ एंड अभी हूँ मैं रोइंग पे एंड सामने का सीन कुछ ऐसा है। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है एंड दुल्हे भैया के साथ काफ़ी बातें बातें की सफ़र कब यहाँ मैं कब पहुँच गया पता ही नहीं चला। सो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक फ्रेंड का जो कि रोइंग का ही है। सो यहाँ का ही वो एक यूट्यूबर है। सो आज वही मुझे होस्ट करने वाला है यहाँ पे। सो आज यहाँ पे रहूँगा उसके बाद फिर मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा। सो अभी उसका वेट करते हैं। सो नेटवर्क भी यहाँ पे 1:3 है। सो अभी कॉल करके देखता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है रास्ते का एंड जो फ्रेंड मुझे आज होस्ट करने वाला है उसका घर उस तरफ ही है। सो उसने मुझे लोकेशन भेजा था एंड अभी बात भी हुआ। सो अभी जा रहा हूँ उसके घर पे, सामने ही है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं और आपको मिलाते हैं। हेलो। तो ये भाई है अपना संतोष भाई जो कि आज मुझे होस्ट करने वाला है। आज के हमारे होस्ट संतोष भाई। तो बढ़िया गाइस, एकदम बढ़िया। तो ये जगह का नाम क्या है, ये विलेज का? इसको बोलता है, इसका ना एक्चुअली बोलने से बालक हाइडल मॉडल भी बोलता है। अच्छा। सीमारी टू भी बोलता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे अभी हाइडल हाइडल है ना, तो इसको लाइक ज्यादातर बालक हाइडल मॉडल ही बोलते है। तो अभी पहुंच चुके हैं, चलते हैं घर की ओर। यहाँ पे क्या आगे यहाँ पे रहता है आदि लोग, यहाँ पे रहता है ईदी लोग। अच्छा, इस तरफ आदि लोग रहते हैं और इधर ईदी लोग रहते हैं एंड उस साइड जो रोड के उस पार। हाँ, रोड के उस पार जितना में वो सब ईदी कर रहे हैं हाईवे के। ये एक बाउंड्री है। अच्छा, लगा के रखा है यहाँ पे पूरा नॉन ट्राइबल लोग ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकार का काम जो करते हैं ना, ट्राइबल नॉन ट्राइबल जो सरकारी काम करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आपको रोइंग में ज्यादातर ईदू मिसमी एंड और क्या क्या देखने को मिलते हैं? आदि आदि लोग एंड ईदू लोग मिल जाएंगे ज्यादातर, और गालो लोग भी रहते हैं लेकिन एंड हाँ एंड और दूसरे टाइप के लोग भी, मतलब सभी लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ का जो मेन ट्राइब है वो है आदि और ईदू। आदि। अच्छा। सो फाइनली पहुँच गया भाई के घर पे। तो यहाँ पे संतोष भाई का जुनू। हेलो, काफी प्यारा है। ओले नहीं काटता ये, फ्रेंडली है ये, लेकिन ये सब देखने से थोड़ा काटता है। जुनू 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 ओले काफी फ्रेंडली है, देख सकते हैं। जुनू जुनू वो वो प्रोएक्टिव जुनू मारी जुनू। काफी प्यारा सा है, डॉल जैसा लग रहा है। मम्मी जी हमारे लिए चाय लेके आई है, थैंक यू। तो अभी संतोष भाई के साथ मैं जा रहा हूँ मार्केट की ओर। मार्केट बंद है लेकिन आज मर गया एक कोई आदमी ना, तो इसका वजह से मार्केट बंद मिलेगा आपको गाइस। मार्केट भी थोड़ा घूम के आएंगे ना। मार्केट तो अभी बंद है, कोई किसी का डेट हो गया सो एक मार्केट बंद है। तो अभी ऐसे एक्सप्लोर करके आएंगे ऊपर ऊपर से, यहाँ का कैसा है मार्केट आपको दिखाएंगे आगे। सो ये है रोइंग का एंट्री गेट। रोइंग पहुँचते ही आपको ये देखने को मिलेगा ये गेट, काफ़ी सुंदर सा है एंड ठीक गेट के सामने यहाँ पे पेट्रोल पंप है एक। इसके बाद तो पेट्रोल पंप नहीं होगा ना? है ना, दो है आगे भी, दो है। एक रोइंग बाजार में मार्केट में है। हाँ। एक जहाँ से देवपानी जाता ना जीरो साइड का, वहाँ पे। हाँ। दो है पेट्रोल पंप आगे। अच्छा, यहाँ से आगे और दो पेट्रोल पंप। यहाँ पे रोइंग पे आपको रिक्शा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आमने सामने जितने भी जगह है एकदम हिली एरिया टाइप का है ना, इसीलिए यहाँ पे रिक्शा देखने को नहीं मिलेगा। जितना भी है ऐसा कुछ ऑटो देखने को ही मिलता है, यहाँ पे ऑटो चलता है एंड और एक पेट्रोल पंप इस जगह पे है। अच्छा, तो अभी हम लोग जाने वाले संतोष भाई जहाँ पे स्टडी किया था क्लास 9 से लेके 12 तक, वो हायर सेकेंडरी स्कूल रोइंग। तो रोइंग का हायर सेकेंडरी स्कूल चलते हैं। रोइंग का जिम एक यहाँ पे है एंड ये प्लेग्राउंड। तो रोइंग का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पे है ये वाला एंड यहाँ पे क्लास 12 तक है कुछ ऐसा गेट। एंड हमारे संतोष भाई ने यहीं से क्लास 12 पास किया है। स्कूल का कुछ ऐसा सीन है। हाँ, मौसम भी काफ़ी सुंदर है और ये स्कूल के ठीक पीछे देख सकते हैं, यहीं से ये जो पहाड़ है यहीं से स्टार्ट है, ये देख सकते हैं बिल्कुल यहीं पर सामने नज़दीक में ही है। ये व्यू काफ़ी मस्त लग रहा है मुझे एंड रोइंग का ये जो ग्राउंड है वहाँ पे स्कूल है, वो हायर सेकेंडरी स्कूल एंड वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल भी है एंड फील्ड का कुछ ऐसा सीन है एंड यहाँ पे देख सकते हैं बैठने के लिए इस तरफ है
कुछ स्टेडियम का जैसा यहाँ पे, और यहाँ से व्यू नीचे का कुछ ऐसा देख के हम खेल का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन अभी बैठने का नहीं है, पूरा भीग जाएगा यार, पूरा भीगा हुआ है। सो अभी चलते हैं आगे, ड्रॉइंग का एक ही ब्रांच होगा ना यहाँ पे? हाँ एक ही ब्रांच। तो ये है यहाँ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोइंग का हेलीपैड। तो आप लोग अभी दिखाऊंगा मैं रोइंग का हेलीपैड कैसा है, एंड ये रास्ता का सीन कुछ ऐसा है। तो गाइस यहाँ से हेलीकॉप्टर जो भी है यहाँ पे लैंड होती है, एंड यार ये व्यू काफी मस्त लग रहा है, वो जो पीछे पहाड़ियाँ दिख रही है और ये पहाड़ों के बीच में फील्ड कुछ ऐसा है, यहाँ पे हेलीपैड सीधा हम लोगों ने ये तो फाइनली हमारे संतोष भाई ने यहीं पे लैंड कर दिया। काफी मस्त है हेलीपैड, छोटा सा यहाँ का कुछ ऐसा सीन है, मजा आया, फोटो वोटो खींच लिया हमने यहाँ पे। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे अभी? अभी एक दोस्त को मिलाऊंगा मैं आपको। सो अभी उसके बाद देवपानी तरफ जाएंगे, ठीक है? एक दोस्त से मिलेंगे, संतोष भाई का एक फ्रेंड है यहाँ का, तो अभी उनसे मिलते हैं, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे एक देवपानी नाम का एक जगह है, तो वहाँ पे जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे और एक पेट्रोल पंप जो नीचे दो दिखा दिया था आपको, एंड यहाँ पे और एक, ये लास्ट आई थिंक, एंड उसके बाद आपको पहाड़ी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पूरा ऊंचाई एंड पहाड़ियों पे चढ़ना थोड़ी ही दूर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। एंड पहाड़ तो ये सामने दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा यहाँ पे पहाड़ है बिल्कुल सामने ही। एंड हाँ ये है यहाँ का सोमो स्टेशन बस काउंटर, तो यहाँ आपको कहीं भी जाना हो, ईटानगर, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, वहाँ पे बस स्टेशन जो था यही था। ये है रोइंग का पार्क, आ चुका है रोइंग का देवपानी, सबसे ज्यादा फेमस जगह यही है, देख सकते हैं गाइस। आगे ये देवपानी का ब्रिज, एंड इस जगह का नाम देवपानी है, एंड काफी मस्त व्यू है भाई यहाँ पे। फेमस नहीं था लेकिन हम लोग फेमस किए हैं, वीडियो बना देना बना बना के, नहीं देखने वाला लोग भी बार बार देखते हैं, नहीं देखने वाला भी बार बार देखते हैं, हम लोग कितने फेमस किए हैं। सो ये है देवपानी ब्रिज, यहाँ पे दिया हुआ है बीआरओ की तरफ से, काफी सुंदर सा ब्रिज का कुछ ऐसा सीन है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे काफी सुंदर सा बनाया हुआ है, ये पता नहीं क्या है ये चीज, तो ना जो पानी ज्यादा होते है ना, हाँ, तो उसके लिए मैंने इस साइड के लिए, हाँ, इस साइड का जो मिट्टी है ना पूरा पानी लेके जाता है, तो उस सेफ्टी के लिए मैंने इसको बनाया गया। अच्छा, तो अपने ये साइड का लेके नहीं जा सकते, इसलिए ये फ्लोट बनाई गए। अच्छा, तो पानी ना ज्यादा भरा मत, मैंने ना एक ही लाइन में जा सकते, किसी को तकलीफ नहीं होगा। तो काफी मजा लग रहा है यहाँ पे भाई, बहुत ही नेचुरल सा व्यू है, एंड ये व्यू देखिए गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहाँ पे, 6 किलो चलते हैं 6 किलो की ओर, कहाँ पे क्या है कुछ पता तो नहीं है, संतोष भाई लेके जा रहे हैं हमें। एंड गाइस यहाँ से देखिए ये है एक व्यू पॉइंट, ये टर्निंग के ठीक सामने कुछ ऐसा नज़ारा नदी के पार, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। एंड गाइस यहाँ पे ठंड भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब नीचे थोड़ा कम ठंड था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होने लग गया ठंड। क्या है वो अलग से, तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, वो भी रिजोर्ट है यूथ हॉस्टल बोल के, आप लोग ना बाहर से आने से ना वहीं बेच सकते हैं आराम से, आप लोग वो में पूरा भरा करके बेच सकते हैं, कुछ 2500-3000 करके लेगा, वो भी है और भी है सर्केस हाउस बोल के, वो तो वो हम भी बेच सकते हैं, लेकिन बेस हमको ये लगा है, लेकिन हमें आपको पास ले, प्राइवेसी मिलेगा आपको, और बढ़िया व्यू है, और प्लस देखिए फॉरेस्ट एरिया,
यहाँ से। तो अमन भाई को अभी मैं 6 किलो लेके जाऊंगा और 6 किलो का व्यू काफी मस्त होगा। अच्छा ये नहीं है 6 किलो? हाँ ये 6 किलो है। सो मैं सोच रहा था यही 6 किलो है, तो अभी 6 किलो इससे भी आगे है, तो अभी चलते हैं। ये व्यू पॉइंट काफी मस्त है जो कि बीच में पड़ता है 6 किलो जाने के रास्ते में, तो इस व्यू का मजा ले सकते हैं, फोटो वोटो खींच सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लोग को माइंडिया मिलेगा, उसका बाद आपको मिलेगा मुंडली, मिलेगा मुंडली का बाद अनिनी मिलेगा, अनिनी का बाद आपको ना वहाँ से बाईपास बन रहा है, हाईलोंग वालोंग निकलने के लिए बाईपास बन रहा है। अच्छा वहाँ से बन रहे ना? हाँ, बाईपास बन रहा है। तो यहाँ से और आगे यहाँ से जाने का बात ही ना है, इससे आगे ना मेथु ये आसुपानी बोल के बन रहे हैं, वहाँ से भी बाईपास, ऐसा व्यू पॉइंट है ना आपको ना मस्त लगेगा आपको देखने। वही तो आसुपानी वहाँ से अन्य नहीं निकलने के लिए, अन्य नहीं बाईपास। ओके okay. माने जहाँ में 4 घंटा रास्ता लगता है ना वहाँ में 2 घंटा में पहुँच सकते हैं आप लोग। ओके एकदम मस्त लगेगा। बस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं 6 किलो पे, एंड यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, काफ़ी मस्त है। एंड संतोष भाई लेके आए मुझे, एंड यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, सो यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू इफी रिवर व्यू। सो ये इस रिवर का नाम शायद इफी रिवर होगा, एंड ये व्यू देख सकते हैं काफ़ी मस्त है। पिकनिक स्पॉट है ये, यहाँ पिकनिक खाया जाता है बहुत ज़्यादा। ये भाई बता रहे पिकनिक स्पॉट भी है ये पिकनिक स्पॉट बहुत ज़्यादा है, हमें ना पिकनिक खाने के लिए आदमी लोग आते हैं। अभी तो बरसात का दिन है ना, जब जैसे ठंडा सीजन आएगा और जब पानी कमती होगा ना तब जाएगा यहाँ में पिकनिक खाया जाता है। आप लोग भी आना यहाँ में पिकनिक खाने के लिए, मस्त लगेगा। आप लोग भी आइए इस जगह पे पिकनिक खाने के लिए, पिकनिक स्पॉट भी है ये। सो अभी आपको नदी का व्यू मैं यहाँ का बीच से मिडिल से दिखाता हूँ। गाइस कैमरे में जितना आप नहीं देख सकते, रियल में आप आओगे सो काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू है जैसा मुझे। ये देखिए गाइस नदी का व्यू, यहाँ का कुछ बताइए यहाँ के कुछ खास बातें। एक्चुअली बोलने से जो गर्मी सीजन होता है ना, जो समर होता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं नहाने के लिए और पिकनिक शिकनिक बहुत ज़्यादा करते हैं। हम लोग भी आते हैं एक्चुअली बोलने से, क्योंकि बहुत गर्मी होता है ना गाइस, तो यहाँ पे पूरा नहाने के लिए मस्त लगते हैं। लुक एट द व्यू, व्यू तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और फोटो शोटो खिंचवाने के लिए भी बाहर से बहुत ज़्यादा आते हैं। एक्चुअली ना ये जो दिखाई दे रहा है ये सपा वाला, ये जो सपा वाला दिखाई दे रहा है ना अमन जी, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट लोग बनेंगे बोल रहा था, लेकिन अभी इस जगह पे, हाँ ये जगह पे, क्योंकि पब्लिक बहुत आते हैं ना यहाँ पे समर के टाइम में, तो चलने का तो एकदम फुल सुना था मैंने, लेकिन अभी तक बना नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, लाइक अभी तक लेट हो रहा है, अभी तक तो बन जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन काम तो शुरू हो गया, वो थोड़ा साफ लोग तो कर दिया देख सकते हैं, तो ढलाई से लाइट एकदम बढ़िया से करके रखते हैं, बनेगा सुना था लेकिन यहाँ पे ना बनने से काफ़ी मस्त होगा ये व्यू पॉइंट एंड ये नदी। सो ऐसा ही कुछ यहाँ का नज़ारा है, तो अभी चलते हैं यहाँ से वापस घर की ओर, तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक एंड देखते रहिए। जितना भी था पूरा एक्सप्लोर जितना करना था कर लिया, अभी अभी चलते हैं सीधा घर की ओर। तो स्कूटी से उतरते समय ये जो अपना ट्राइपॉड है गिर गया नीचे और टूट गया इसका ये जो पार्ट है, तो अभी संतोष भाई देखिए यहाँ पे देसी जुगाड़ लगाते हुए बना रहे हैं इसको, चिपक गया ये कपड़ा, एक कपड़ा चिपका कर। थैंक यू, वेलकम बोलो। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में आए थे, एंड यहाँ पे अभी संतोष भाई एंड जितेन भाई और मैं, मेरा वेज है क्योंकि मैं हूँ वेजिटेरियन, हम लोगों को पता ही होगा।